गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास फर्स्ट की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें आज हम चैप्टर टू आम की कहानी पर को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चित्र कथा दी हुई है इस चैप्टर में, तो उसको हमको इन चित्रों को देखकर एक कहानी बनानी है। तो पहले चित्र में हमें क्या दिख रहा है उनको देखना है अब और समझना है और अपने मन से कहानी बनानी है। तो कहानी मैं आपको बताती जाती हूँ, आपको समझना है। एक दिन एक लड़की और एक कौवा पेड़ पर लगा पका आम देख रहे थे। मींस एक लड़की और एक कौवे को एक दिन एक पेड़ पर पका हुआ आम दिखा। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं, आम देखकर लड़की ने सोचा यह आम अगर तोड़ा जाए तो। उसने अपने भाई को यह आम दिखाया। उसके भाई ने आम पर अपनी गुलेल से निशाना लगाया। और यह सब भी कौवा ध्यान से देख रहा था। आम गुलेल से निशाना लगाया, कौवा उन्हें ध्यान से देख रहा था। जैसे ही आम टूटा कौवे ने उसे लपक लिया। दोनों भाई बहन कौवे को आम ले जाते देख उदास हो गए। आगे बढ़ते ही कौवा मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। मधुमक्खियाँ कौवे को डंक मारने लगी। आम कौवे के घोंसले में जा गिरा। पेड़ पर बैठी गिलहरियों ने आम देखा। गिलहरी घोंसले से आम उठा लाई। इतने में अंडे टूट गए। कौवे के बच्चे ने कांव कांव का शोर मचाना शुरू कर दिया। गिलहरी के हाथों से आम छूट गया। आम गिरा आदमी की पगड़ी पे। लड़की ने आम उठा लिया। उसका भाई खुश होकर गुलेल का कमाल देखने लगा। अब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब ये कहानी आप अपने मम्मी पापा की मदद से या बड़ों की मदद से अपनी कॉपी में एक छोटे रूप में लिखेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमको कुछ शब्द लिख कर दिए हुए हैं, तो ये हमको चित्र देखकर इनको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा एक लड़की थी। दूसरे में हम लिखेंगे एक लड़का था। थर्ड में हम लिखेंगे लड़की ने आम देखा। चौथे में हम लिखेंगे लड़के ने आम को गुलेल से तोड़ा। फिफ्थ में हम लिखेंगे आम लड़की ने उठाया। और सिक्स्थ में हम लिखेंगे आम आदमी की। अब नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कौन कहाँ। यहाँ लिखा हुआ है कौन कहाँ, मीन्स हमको ये सबको भरने हैं। कौन कहाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चित्र दिए हुए हैं ये सब इस कहानी में कहाँ कहाँ पर थे हमको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान के हाथ में। के हाथ में यहाँ हम लिखेंगे लड़के, लड़के के हाथ में। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे के ऊपर, जो यहाँ गुलेल है तो किसके हाथ में थी, लड़के के हाथ में। अब यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, घोंसला। तो घोंसला कहाँ था, के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पेड़ के ऊपर। तीसरे में हम देखेंगे यहाँ पे घोंसला बना हुआ है तो हम में,
चिड़िया के बच्चे यहाँ पर हैं, कौवे के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं उस घोंसले में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, में, यानी घोंसले में। फोर्थ नंबर में हम देखेंगे, यहाँ लिखा है पेड़ के, और यहाँ क्या बना हुआ है, गिलहरी। गिलहरी कहाँ ऊपर, कहाँ पे थी, पेड़ के ऊपर, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर। फिफ्थ नंबर में यहाँ पे क्या है, एक आदमी बैठा हुआ है पगड़ी पहनकर, तो के सिर पर, किसके सिर पर है वो पगड़ी, आदमी, तो हम यहाँ लिखेंगे आदमी के सिर पर। तो इस तरीके से हमने ये अभ्यास पूरा कर लिया है, और अब आपको ये बुक में भी कंप्लीट करना है और अपनी कॉपी में इन फिल इन द ब्लैंक्स को लिखना है, ये आपका होमवर्क है, और इनको आप पढ़ेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।